वेलकम बैक टू अमिता मलिक ब्लॉग्स। और आज का ब्लॉग अब शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और भाई आज सुबह मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, शुरू नहीं कर पाई थी क्योंकि वही भाग दौड़ होती है सुबह सुबह। तो फ्रेंड्स भाई सुबह नहीं कर पाई थी क्योंकि वही भाग दौड़। भाई मेरी तो आज मेरी बच्चों की सबकी छुट्टी थी तो काफ़ी रिलैक्स लगता है। सैटरडे वाला दिन काफ़ी ईजी हो जाता है सारे काम। तो अभी शाम को मैं बहुत सारे काम है उनको कर लेती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने नोटिस किया है कि भैया मेरे बाल लंबे हो गए हैं काफ़ी। शायद वो मेरी फ्रेंड्स कल मिली थी तो वो कह रही थी कि घिया का जूस मेरे बालों पे दिख रहा है। देखो काफ़ी लेंथ निकल गई है इनकी। अभी पिछली वीडियोस में जब मैं अपना देख रही हूँ तो काफ़ी छोटे थे तो काफ़ी लेंथी हो गई, लेंथ अप हो गई इनकी। तो शायद मेरी घिया का जूस अभी बालों पर भी इफेक्ट डाल रहा है जो मैं पीती रहती हूँ, उससे काफ़ी बाल भी काफ़ी अच्छे हेल्दी हो रहे हैं अभी। और भैया अब शाम को बहुत सारे काम हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो अभी आज मैं दलिया बनवाया था अपने गेहूं का, हम लोगों ने दलिया बनवाया था वो काफ़ी दिन से रखा था तो अब सोच रही हूँ उसको छान लूँ। उसमें आटा काफ़ी है तो सोच रही हूँ उसको छान के देखती हूँ क्या उसका रिजल्ट निकलता है। अदरवाइज़ उसने काफ़ी पतला, वहाँ हमने पिसाया था वहाँ काफ़ी पतला पिस गया तो शायद देखते हैं अब क्या होता है उसका। और जो दलिए में से जो आटा निकलता है वो थोड़ा सा खुरदरा मतलब मोटा होता है तो उसके गुलगुले बहुत अच्छे बनते हैं। तो एक कल संडे है तो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि जो आटा थोड़ा सा मोटा मोटा उसके गुलगुले मैंने खाए हुए काफ़ी साल हो गए, शायद 15 साल पहले खाए थे मैंने तो मुझे बहुत टेस्टी लगे थे। थोड़ा सा डिफरेंट बनते हैं तो मैं भी अब दोबारा से ट्राई करके देखूंगी। तो फटाफट से चलो अब दलिया छानते हैं। और सैटरडे को तो यही होता है कि चलो अगर आज काफ़ी सारे काम हो जाएंगे जो संडे करने होते हैं तो संडे काफ़ी रिलैक्स हो जाता है हम लोगों का। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, दलिया छानते हैं भाई। तो फ्रेंड्स देखो भाई मैंने सिर पे चुनरी डाल दी है क्योंकि आटा निकलेगा और मैंने फ़ैन भी बंद कर दिया है। तो ये देखो इसमें से भाई दलिया अच्छा बना है, काफ़ी अच्छा दलिया बना है। मुझे वैसे ही लग रहा था कि काफ़ी आटा है लेकिन देखो ये मैंने छलनी से छाना है तो आटा थोड़ा ही निकल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये देखो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखो सेवियाँ भी तुड़वा ली हैं मेरी मदर इन लॉ ने, यहाँ एक आंटी हैं उनसे तुड़वाई हैं काफ़ी सारी। देखो काफ़ी सारी तुड़वा के अब रख दी है मैंने डिब्बा, इनको भूनना और है। ये बताइए छोटे छोटे काम छुट्टी वाले दिन ही होते हैं फ्रेंड्स। और ये देखो काफ़ी इनको भून के और डिब्बे में भर के रख देंगे और एक डिब्बा में दलिए का भर के रख दूंगी क्योंकि फिर जैसे ही क्योंकि फिर ऑप्शंस मुझे ढूंढने नहीं पड़ते कि अब क्या बनाएँ या क्या बनाएँ। तो मैं बाहर का आप लोगों को जैसे भी मैंने बताया कि मैं बाहर का बहुत कम प्रेफर करती हूँ कि भाई बाहर का कुछ लें हम लोग, जैसे बिस्किट वगैरह तो मैं उनको अवॉइड ही करती हूँ। और आज अब अगर टाइम लग गया तो देखो अभी मैं इनको भी भून के रख दूंगी और दलिया भी मैं भून के ही रखूंगी भाई, जितना छन जाएगा उतना छान के और इसको डिब्बे में भर के मैं रख दूंगी क्योंकि अगर मैं इसको भूनूंगी नहीं तो इसमें कीड़े लग जाते हैं, फिर ये किसी यूज़ का नहीं रहता है। अगर हम भून के रख देंगे तो एक साल तक आराम से चल जाता है, मतलब जब भी आपको बनाना है आप बना सकते हो। आजकल मैं दलिया बना के खा रही हूँ शाम को, रोज़ तो नहीं लेकिन लगभग लगभग कभी कभी खा लेती हूँ। मुझे वेजिटेबल दलिया बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता मैं वैसे ही। हाँ भाई फ्रेंड्स याद आ गया, चलो दलिया छानते छानते कि आज मैंने घिया का जूस तो पिया ही नहीं है, चलो बना लेते हैं शाम को। अभी चाय का भी मेरा कोई मूड नहीं है तो चलो अभी जूस ही बना लेते हैं फटाफट से, फिर टाइम नहीं रहेगा अदरवाइज़। अभी भी 6:15 हो गए हैं और चलो बनाते हैं पहले जूस फिर इसको बीच में रोकते हैं। सब मैंने घिया की, देखो फ्रेंड्स आज घिया बहुत बड़ी है भाई, छोटा पीस कोई नहीं रखा था इसलिए मुझे बड़ी घिया का जूस बनाना पड़ रहा है। और ये भी देखो बिल्कुल कच्ची घिया है और देखो ये काटने के बाद वही इस पर ब्राउन ब्राउन आ गया है। एक मिनट अभी दिखाती हूँ आपको, यहाँ से लाइट आ रही है। ये फ्रेंड्स देखो काटने के बाद इस पर जो ब्राउन ब्राउन ग्लू ग्लू सा है ये इस पर आ गया है। तो ये काफ़ी अच्छी और हेल्दी और कच्ची घिया रहती है और इसको वही थोड़ा सा प्रोसेस हमारा जो है वो टेस्ट करके देखेंगे कि घिया कड़वी तो नहीं है। कभी भी कड़वी घिया का जूस नहीं पीना चाहिए, सब्जी भी नहीं बनानी चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक है ये घिया, चलो इसका जूस बनाते हैं। फ्रेंड्स देखो मेरा हेल्दी सा घिया का जूस तैयार हो गया भाई, अब इसे डाल लेते हैं। बहुत फाइबर रिच है इसमें फ्रेंड्स, काफ़ी सारा फाइबर है। देखो ऑलमोस्ट मेरा ये बड़ा सा गिलास भर गया है। अब जो इस पर लगा हुआ है इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल फुल हो गया। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये देखो फ्रेंड्स सब जितना भी आपको फॉर टेस्ट आपका, मैं बहुत ज़्यादा नमक नहीं लेती हूँ इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला है। और एक इसमें डालेंगे अभी हम नींबू, तो फ्रेंड्स देखो फाइनली मेरा जूस तैयार हो गया है।
बहुत अच्छा लग रहा है और रिफ्रेशिंग सा लगता है पीने के बाद, तो मैं इसको पीती हूँ। और मुझे कल का एक काम और याद आ गया फ्रेंड्स, बाहर आज तो छत पे इवनिंग टी की जगह मैं घिया का जूस ले रही हूँ, तो मूड भी काफ़ी फ्रेश लग रहा है और पॉजिटिविटी आ रही है कि हाँ चलो कुछ हेल्दी ले रही हूँ मैं ड्रिंक। सुपर, बहुत अच्छा बना फ्रेंड्स, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम यमी यमी। तो फ्रेंड्स मुझे अब एक आ गया है काम याद, मैं दिखाती हूँ आपको काम क्या है। ये है तुलसी, देखो, और तुलसी के पत्ते, क्योंकि कल हो जाएगा संडे और कल तुलसी नहीं तोड़नी है और मुझे पीनी है एक अपनी मेडिसिन। मैंने अभी आप लोगों से शेयर करूँगी फ्रेंड्स एक मेडिसिन, एक है मेडिसिन, मतलब होम रेमेडी ही है, मेडिसिन नहीं कह सकते उसको, सॉरी, होम रेमेडी है। जैसे मुझे, मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे सबसे मुझे नहीं, काफ़ी लोगों को मुझे लग रहा है कि ये हेल्थ इशू है, गैस्ट्रिक इशू है कि डाइजेशन इशू है, मुझे नहीं पता क्या है। मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी शुरू की हुई थी लेकिन उनसे भी बहुत, फिर मैंने डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी से आराम नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स मैंने डॉक्टर से भी बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि इतनी जल्दी आराम नहीं लगता है। तो मुझे मेरे किसी नोन ने ही बताया था कि एक ये दवाई होती है कि जिसमें 5 चीज़ें डलती हैं, तो मुझे उससे थोड़ा सा आराम लगा। अदरवाइज़ मुझे फ्रेंड्स और जगह का पैर दर्द हो, पेट दर्द हो, फिर भी थोड़ा सा टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन सिर के दर्द में तो मेरी आँखें ही नहीं खुलती हैं। तो काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी मैं इसको नहीं ठीक कर पा रही थी, तो अब फाइनली मुझे नहीं है, आज भी काफ़ी रिलैक्स, तभी मैं शाम को इतने सारे काम कर पा रही हूँ। नहीं तो वही आने के बाद, वर्किंग हूँ मैं तो आने के बाद सीधा बस लेटे रहो, सिर दर्द है तो आप कोई काम कर ही नहीं पाओगे, सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता था। तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, आज तो मेरे काफ़ी सारे काम हो जाएंगे। वो होम रेमेडी मैं अभी एक दो दिन और लेके देखती हूँ, अगर मुझे आराम लगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे ही नोन में बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, तो उसकी काफ़ी अच्छी रेमेडी, अगर मुझे आराम रहा, जैसे मैंने अभी 2 दिन लिए तो मुझे अच्छा लग रहा था, अगर कंटिन्यू मैं करती रहूँगी उसको, और फिर आप लोग भी करके देखना। तो अभी मैं इंजॉय करती हूँ घिया का जूस और आप लोग भी ट्राई करके देखें एक बार। तो फ्रेंड्स मैंने कल की तैयारी कर ली और भाई घिया का जूस काफ़ी थिक लग रहा है क्योंकि मैंने पूरा इसका फाइबर मैंने छान दिया, मैंने फाइबर को फेंका नहीं है छलनी में से, बस एक दो उसके जो पीसेज रह गए थे वो मेरे छलनी में रहे हैं, तो थिक लग रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि थिक पीने में फिर थोड़ा सा आप चबा भी नहीं सकते उसको, क्योंकि ये फाइबर है, तो थोड़ा सा मुझे नहीं पी पा रही थी मैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया। तो अब ट्राई करके देखते हैं। अब ठीक है, अगर आपको थिक लगे तो अब उसमें और पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पानी साथ में कंज्यूम करो तो कोई इशू नहीं होता है। तो चलो मैं इसे फिनिश करती हूँ, बच्चे आते हैं अगर टाइम से, वो बाहर गए हैं बच्चे और प्रवीण, तो उनके लिए भी बनाती हूँ। आज शाम को चाय मैंने नहीं पी फ्रेंड्स, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखो भाई बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अभी कैमरा में इसलिए ऑन किया है ताकि कुछ लोगों को ये ना लगे कि मैं नहीं पीती हूँ, मैं आप लोगों के सामने भी ड्रिंक करके दिखाती हूँ। मैं सीरियसली मैं पीती हूँ, क्योंकि ऑन कैमरा मैं, ये नहीं है कि मैं सिर्फ ऑन कैमरा ही ये बना रही हूँ या कुछ भी है। देखो ये देखो, बस थोड़ा सा रह गया, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो फ्रेंड्स अभी धीरे धीरे रुक के पीना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत, 1.5 ग्लास इसमें पहले ही आता है, आधा लीटर से ज़्यादा ही आता है इसमें, और ऊपर से मैंने और पानी थिक होने की वजह से और पानी ऐड कर लिया, तो अभी ये मुझसे नहीं पिया जा रहा है, थोड़ी देर वेट करती हूँ। नियर बाय 2 ग्लास, इतनी मेरे पेट की कैपेसिटी नहीं है, मैं एक बार में 1.5 ग्लास, हाँ इसको पूरा मैं कंज्यूम कर लेती थी, लेकिन जो आज मैंने पानी ऐड किया है बाद में, इसकी वजह से ये ज़्यादा हो गया है और अब मेरा पेट भर चुका है, थोड़ी देर 15 मिनट के बाद में इसको वेट करके फिर ले लूँगी, हो सकता है अभी ट्राई करती हूँ। देखो फ्रेंड्स क्योंकि आज मैंने पानी ऐड किया है कि इस वजह से फिर मेरा थोड़ा सा, क्योंकि आज मैंने बहुत थिक था ये घिया, अलग अलग तरह की होती हैं देखो, तो आ गया तो मैंने ज़्यादा वही छोटी घिया ले दी थी, तो उसमें उसका आइडिया था मुझे बड़ी घिया में से अगर छोटा पीस भी लिया तो काफ़ी मोटी भी थी, तो उस वजह से जो मैंने इतना सा पीस लिया उसी में काफ़ी सारा जूस शायद फाइबर था, तो इसलिए मुझे पानी ऐड ऑन करना, अदरवाइज मैं एक ये भर के पूरा मैं पी लेती हूँ। तो आज ये थोड़ा सा बच गया भाई, ये मैं नहीं पी पाऊँगी बिल्कुल, अपना पेट नहीं फाड़ना है मुझे, तो इसको यहीं छोड़ते हैं और अपना मैं अब दलिया कंटिन्यू करती हूँ, और आज शाम को यही नए वाला दलिया ही बना के देखती हूँ मैं कैसा टेस्ट रहता है इसका, मैं आप लोगों को भी बताऊँगी, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी या सजेशंस दूँगी कि आप लोग भी ट्राई करें घिया का जूस, बहुत अच्छा रहता है, बहुत हेल्दी,
आप लोग अपनी हेल्थ में काफ़ी डिफरेंस देखेंगे। मुझे तो लग रहा है भाई, मेरी फ्रेंड्स ने भी नोटिस किया है कि हाँ काफ़ी डिफरेंस आया है। और बहुत कहीं से कोशिश करेंगी, यहाँ की बेल तो जो लोग किचन गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं अपने घर पे भी लगा सकते हैं। मैं पहले भी किचन गार्डनिंग करती थी तो काफ़ी वेजिटेबल्स की कोशिश करती थी कि मैं घर पे लगाऊं। जैसे बेल तो हैं जो थोड़ी सी जगह लेती हैं, जिन लोगों के यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है वो गमले वगैरह में भी थोड़े से बड़े गमले लेके, आप लोग जैसे मेरे यहाँ तो थोड़ी सी घर में भी कच्चा था तो मैं वहाँ लगा देती थी, और गमले वगैरह में भी आप बेल लगा के ऊपर चढ़ा सकते हो उनको, तो काफ़ी अच्छी रहती हैं वेजिटेबल। अगर आप एक बार अपनी घर की लगाई हुई खाने लग जाएंगे तो आपको बाहर वाली वेजिटेबल्स में टेस्ट ही नहीं आएगा, आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ कितना डिफरेंस है। तो एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आप लोगों को किचन गार्डनिंग की कोई टिप्स चाहिए तो मैं दे दूँगी। मैं पहले बहुत अच्छे से, मेरा किचन गार्डन था, मैं काफ़ी अच्छा उसको करती थी, और ऑलमोस्ट सारी सब्जियाँ, थोड़ी 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 सी भिंडी, थोड़े से बैंगन, जो भी मुझे नीडफुल लगता था वो मैं, जैसे तोरी की बेल है और ग्रीन में जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, ये सब मैं अपने घर पे ही लगा लेती थी। मूली भी लगाई थी मैंने एक बार घर पे। अभी फार्म पे तो हम अभी पिछले सेकंड लॉकडाउन के बाद, जब सेकंड वेव में मुझे कोरोना हुआ था उसके बाद हमने शुरू किया। ये चेंज था, ये आप लोगों से मैं शेयर करूँगी कभी। ये देखो बच्चों को भी घिया का जूस दे दिया है, अधिराज दिखाना, और अधिराज की शक्ल देखने लायक, अभी ऐसी ऐसी शक्लें बनाता रहेगा लेकिन फिर भी ये जूस पिएगा। और आराध्या पी रही है आज बॉटल में, अभी दिखाते हैं। देखो इसने कहा कि मुझे बॉटल में डाल के दो, हाँ अब ये पिएगी आज बॉटल में नए स्टाइल में जूस। और आराध्या तो पी लेती है ना, आराध्या पी के दिखाओ सबको, ताकि सबके बच्चे पिए। मैं बता रही हूँ कि मेरे बच्चे तो पीते हैं भाई। ये देखो आराध्या फटाफट से पिए जा रही है, और पीछे से आपको अधिराज की शक्लें दिख रही होंगी, है ना। तो फ्रेंड्स अब देखो आज अधिराज भी पी रहे हैं क्योंकि इसको लगाया कि इसकी हाइट बढ़ गई अब, है ना अधिराज, घिया का जूस पीने से अब लंबे हो गए ना घिया की तरह। दीदी से कुंदे से ऊपर चलाया गंदे वाला, इसलिए अब अधिराज आज जूस पी रहा है खुशी खुशी, चम्मच से नहीं पिलाना पड़ रहा इसको। ये देखो फ्रेंड थोड़ा सा इसको बकबका लग रहा है ना, कोई बात नहीं, लेकिन अब ठीक हो गया थोड़ा, अब ठीक हो गया थोड़ा सा, और ये पूरा फिनिश करके दिखाएगा आज। आधा ही ग्लास दिया हमने लेकिन फिर भी ये पिएगा। और आराध्या का भी देखो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, इनकी कंपटीशन चल रहा है कि कौन फर्स्ट खत्म करेगा। कोई नहीं, आराम आराम से पी लो। और ये देखो फ्रेंड्स आराध्या ऑलमोस्ट खत्म करने को है। आराध्या उसकी थोड़ी शक्लें बिगड़ने लगी हैं, थोड़ा सा ही रह गया। ये वेरी गुड। और देखो अधिराज फर्स्ट आने के चक्कर में स्पीड बढ़ा दी इसने, आराम से पी लो आराम से। ये देखो भाई कॉम्पिटिशन इनका, मैं कंपटीशन नहीं कर रहा, एक गुड बच एक गुड बच गया अधिराज का, और कह रहा है कंपटीशन नहीं कर रहा। वैसे भी आप जीत गए अधिराज, वेरी गुड वेरी गुड, दोनों फर्स्ट आए हो, दोनों फर्स्ट आए हो भाई, दोनों फर्स्ट। क्योंकि तू बड़ी है इसलिए गर्ल्स में। तो देखो आप लोग बताना कि कौन फर्स्ट है। मैं कह रही हूं कि गर्ल्स में आराध्या और बॉयज में अधिराज फर्स्ट है, दोनों फर्स्ट आए ना फ्रेंड्स। देखो तो इसमें दोनों ही फर्स्ट माने जाएंगे क्योंकि गर्ल्स और बॉयज का हमने अलग-अलग कर दिया है कंपटीशन। अधिराज भी फर्स्ट है और आराध्या भी, दोनों ने पिया। इसके लिए क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, वेरी गुड वेरी गुड। फ्रेंड्स अपनी 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 सेहत के साथ साथ पति और बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, और भाई वो भी पी रहे हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा, मस्त है। चलो भाई आज मुझे पूरे नंबर मिलते हैं, मैंने घिया का जूस काफ़ी अच्छा बनाया। सब्जी में आज इनके लिए रखी है दाल, मैंने बच्चों को सांभर वो की सांभर बनाया, मैंने दाल चने की दाल और घिया बनाई थी। अदरवाइज बच्चे कई बार ये होता है कि नहीं हम नहीं खाएंगे ये नई चीज़ें ट्राई, काफ़ी मैंने नहीं बना दी थी, मैं अभी बनाई है मैंने चने की दाल और घिया, तो इनको सांभर कह के आज इन्होंने बहुत खुश होकर खाई, और अभी भी डिनर में बची हुई है तो बस अब इनके लिए हो गया फटाफट से, और मैं अपना दलिया खाऊँगी। तो चलो फटाफट से ख़त्म करते हैं अपना डिनर। फ्रेंड्स देखो मैंने अपना दलिया चढ़ा दिया है, मैंने मुझे अपना ही दलिया बनाना है, बस मैं पानी में ही बना रही हूँ आज, मैं दूध में नहीं बनाऊँगी क्योंकि दूध में फिर ज़्यादा चीनी डाल के खाती हूँ तो वो मेरे को फिर क्या फ़ायदा दलिया खाने का। और बच्चों और हस्बैंड के लिए भी बना रही हूँ मैं रोटी, आटा बना हुआ रखा ही है, बस फटाफट से रोटी बनानी है और सब्जी भी। आज सबका घिया का जूस वगैरह मैं डिनर में खाऊँगी दलिया, और ये आपको दिख रहा होगा कुछ ये क्या क्या हो गया अधिराज को जूस पीने के बाद, आप सब सोच रहे होंगे ये क्या साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं जूस पीने के। ये फ्रेंड्स जूस पीने के बाद इसको कुछ मीठा चाहिए था और ये खा रहा है गुड़। ये देखो घिया के जूस के कारण ये दिखा रहा है कि गुड़ खा रहा है, इसको कुछ मीठा चाहिए। ये मेरी तरह बहुत मीठा खाता है, बहुत मीठा खाता है ये,
और फ्रेंड्स अब मैं बनाऊंगी दलिया। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो क्या करें अधिराज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग और इसी तरह हमें प्यार देते रहें। ओके बाय, गुड नाइट।